बीजेपी के राजस्थान के जो मुखिया हैं वो अपने चित्तौड़गढ़ के हैं, तो क्या वो प्रभाव बीजेपी का नहीं रहेगा? ऐसा कोई काम नहीं, वो गिना नहीं सकते आज दिन तक। हाँ, ये खुले बरामदे उनके विधायक का कोष के है, विधायक बन के, इसके अलावा उनके पास कोई भी विकास के नाम पे कोई विजन नहीं है। जो चंद्रपाल जी आख्या का जो टिकट कटा है, आप कैसे देखते हैं इसे? देख रहे होंगे, पूरी जनता देख रही है कि जो विरोध का जो केंद्र बिंदु है वही चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ की स्थिति क्या लग रही? चित्तौड़गढ़ विधानसभा में जाड़ावत जी वापस आएंगे या और? दोनों साहब ने तो एक ही बात की, जो आप मांगते मांगते थक जाओगे मैं देते हुए नहीं थकूंगा। कपासन की एक बड़ी समस्या जो सामने आ रही है कि पानी को लेकर एक लंबे समय से बात चल रही है, उठ रही है, लेकिन दोनों ही दलों ने ध्यान नहीं दिया। दोनों सीपी जोशी की प्रतिष्ठा है मेवाड़ की जीत को लेकर, आप कैसे देखते हैं कौन सीपी जोशी जीतेगा? विधानसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस की तरफ से दो दो सूचियां जारी की गई हैं और सूचियां जारी होने के साथ ही कई जगह विरोध के स्वर भी मुखर हो रहे हैं। राजनीतिक दल अपनी अपनी जमीनी स्तर पर पकड़ मजबूत कर रहे हैं। भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही दल कहीं न कहीं अपना प्रभाव अपने से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के लिए दल प्रयास कर रहे हैं। अभी मैं चित्तौड़गढ़ में हूँ, चित्तौड़गढ़ में कपासन में पहुँचा और कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष हैं भेरूलाल जी चौधरी हमारे साथ में हैं, इनसे बात करते हैं चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस की क्या स्थिति है, कैसे वो देखते हैं। चौधरी साहब, चित्तौड़गढ़ इस बार क्या कह रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, चित्तौड़गढ़ जिले की 5 विधानसभा सीटें हैं और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ 5 की 5 कांग्रेस पार्टी जीतेगी और राजस्थान में सरकार बनाएगी। इस बार बीजेपी के राजस्थान के जो मुखिया हैं वो अपने चित्तौड़गढ़ के हैं, तो क्या वो प्रभाव बीजेपी का नहीं रहेगा यहाँ पर? बिल्कुल नहीं रहेगा, आप देख ही रहे हैं पिछले 3 दिन से, आप खुद देख रहे होंगे, पूरी जनता देख रही है कि जो विरोध का जो केंद्र बिंदु है वही चित्तौड़गढ़ है। तो वो क्यों, ये आपकी आप किस नज़रिए से देखते हैं ये विरोध, जो चंद्रपाल जी आख्या का जो टिकट कटा है, आप कैसे देखते हैं इस पर? देखिए, ये उनका पार्टी का अंदरूनी मामला, मैं इसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन चित्तौड़ जिले की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है और आगे भी मुझे पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे मतदाता और कांग्रेस पार्टी की 5 विधानसभा सीटें जीतेंगे। अभी सांसद बीजेपी के हैं और विधायक भी देखें तो बीजेपी के ज़्यादा है आपके, तो अब आप क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर देख रहे हैं कि कांग्रेस का पक्ष बढ़ेगा, कांग्रेस को वोट ज़्यादा देंगे? सरकार की जो गहलोत सरकार की कल्याणकारी योजनाएं जो है उनके बलबूते पे राजस्थान में रिपीट होगी सरकार और निश्चित रूप से वापस चित्तौड़ जिले की जो सीटें हैं 5 की 5 सीटें भी कांग्रेस की आएगी और मेवाड़ से भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ पूरे मेवाड़ में कांग्रेस के प्रति माहौल है और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। बीजेपी में कुछ विरोध ज़्यादा हो रहा है, आप चित्तौड़ की बात कर रहे हैं यहाँ पर चंद्रपाल सिंह जी आख्या का जो टिकट कटा है, लेकिन भी अंतर्कला कई जगह देखने को मिल रहा है, वो सांसद अबरार क्या नाम उनका, विधायक उनके पथराव हुआ, उनके तोड़फोड़ हुई, इसे कई जगह ऐसी स्थितियाँ मिल रही हैं। आप इस बारे में आप अगर आप जागरूक हैं या पत्रकार हैं तो आप खुद पता कर लीजिए, पूरे राजस्थान में भाजपा के जितने भी कैंडिडेट हैं अधिकांश जगह माहौल है। हाँ, हमारे यहाँ भी दानिश अबरार का वहाँ हुआ है, ये नहीं कहता है, लेकिन एक छुटपुट घटना है, बहुत छोटी सी हुई है, सूची भी अभी बहुत कम आई है। क्यों नहीं आई, 2 सूची आ गई है, 1 और सूची आ जाएगी, लेकिन 2 में भी आपको कहीं कोई विरोध का कहीं मुखर विरोध कहीं नहीं हुआ है अभी तक। तो ये सरकार की योजनाओं को लेकर ही वापस कांग्रेस चुनाव लड़ रही है या लोकल मुद्दे भी लेंगी? बिल्कुल, सबसे पहले तो सरकार की जो कल्याणकारी योजना है उसी के चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। इस बार लोकल मुद्दे प्रभावी नहीं रहेंगे आप? देखिए, लोकल मुद्दे ज़्यादा कोई प्रभावी नहीं रहते हैं, बाकी लोकल मुद्दे भी जो सरकार ने, गहलोत साहब ने तो एक ही बात की, जो आप मांगते मांगते थक जाओगे मैं देते हुए नहीं थकूंगा, और यही बात उन्होंने चरितार्थ की और पूरे राजस्थान में जितने भी MLA है चाहे नेता है उन्होंने जो मांगा वो दिया है। अभी मैंने कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं से ही बातचीत की तो वो बता रहे हैं कि जो जहाँ जहाँ बीजेपी के MLA हैं वहाँ सरकार ने काम स्वीकृत हुए किए ही नहीं, वहाँ द्वेषता रखी, तो ये द्वेषता अगर रखी होगी तो जनता फिर कैसे सपोर्ट करेगी? ये बात मैं तो सिरे से खारिज करता हूँ कि कहीं ऐसा ये नहीं हुआ कि भाई भेदभाव वाली बात कहीं नहीं रही। भेदभाव तो केंद्र सरकार करती है, जितना हक बनता है राजस्थान सरकार का वो दिया नहीं है।
नहीं, मैंने चित्तौड़गढ़ में जो बात की उन्होंने कुछ अलग अलग शहर के मुद्दे भी बताए, गाँवों की बताई कि ये स्वीकृतियाँ जारी हो गई लेकिन सरकार ने अटका दी क्योंकि विधायक का उसमें दखल थी, विधायक की मांग थी कि ये काम हो जाएगा तो वो श्रेय ले लेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें। ऐसा कहीं नहीं हुआ सर, चित्तौड़ जिले में और चित्तौड़ विधानसभा क्षेत्र में जितना काम हुआ है वो शायद आज दिन तक कभी नहीं हुआ है। आपके जैसे कपासन विधानसभा की बात करें, यहाँ पर बीजेपी से विधायक हैं, यहाँ के क्या मुद्दे हैं आप? नहीं, यहाँ के कोई मुद्दे नहीं है। कपासन जो विधायक है दो बार विधायक रहे लेकिन उन्होंने शायद, मेरे को तो लगता नहीं है कि कोई किसी मांग के लिए कोई मांग की हो उन्होंने। पिछली बार तो उनकी भाजपा की सरकार थी लेकिन उन्होंने कोई ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं था, ऐसा कोई काम नहीं, वो गिना नहीं सकते आज दिन तक। हाँ, ये खुले बरामदे उनके विधायक का कोष के है, विधायक बन के, इसके अलावा उनके पास कोई भी विकास के नाम पे कोई विजन नहीं है। कपासन की एक बड़ी समस्या जो सामने आ रही है कि पानी को लेकर एक लंबे समय से बात चल रही है, उठ रही है, लेकिन दोनों ही दलों ने ध्यान नहीं दिया। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने, हमारी सरकार, भाई गहलोत साहब यहाँ आए थे उस टाइम, उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह के हमने मांग रखी और उन्होंने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी किया है, लेकिन किसी वजह से बिशनपुर कैचमेंट एरिया में आने की वजह से थोड़ी लेट हुए, लेकिन उस वो पूरा पाइपलाइन में है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कपासन क्षेत्र की जनता को भी कि जो काम हमने हाथ में लिया है कांग्रेस पार्टी ने, वो हम पूरा करके दिखाएंगे। अभी सूची आनी बाकी है, पूरी नहीं आई है, लेकिन जितनी सूची आई है अपने कहाँ कहाँ क्लियर हो गई है तस्वीर और क्या लग रहा है? देखिए, अभी निम्बाड़ा में अब दोनों दलों के प्रत्याशी हो गए हैं और मैं निश्चित रूप से दावों के साथ कह सकता हूँ निम्बाड़ा में हमारे सहकारिता मंत्री उदयलाल जी आजना वापस जीतेंगे और सरकार बनाने में सहयोग करेंगे। चित्तौड़गढ़ की स्थिति क्या लग रही, चित्तौड़गढ़ विधानसभा में जाड़ावत जी वापस आएंगे या और भी कोई? देखिए, ये पार्टी का मामला है कि आला कमान जो भी फैसला लेगा उसके ऊपर है। और जाड़ावत पैनल में कितने कितने नाम गए हैं आप जैसे? पैनल में नाम सभी गए हैं, जितने आवेदन करता थे उनके सबके नाम हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी। फिर भी कितने हैं, जैसे कि कपासन की बात करें या कि इतने इतने नाम हैं? देखिए, हर कार्यकर्ता की ये होती है कि भाई मैं भी चुनाव लड़ूं, मैं भी आवेदन किया है तो मेरे को भी टिकट मिले, लेकिन ये फैसला आला कमान को करना है, वही करेंगे। तो यूँ नहीं लग रहा है कि इस बार ये काफ़ी देखा गया है ऐसा है कि संख्या बहुत ज़्यादा थी हर विधानसभा में दावेदारों की, तो फिर कहीं टिकट मिलने के बाद वो कंट्रोवर्सी तो नहीं आएगी? नहीं, कहीं नहीं आएगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। कांग्रेस पार्टी जो वर्कर है काम करेगा, वो आगे बढ़ेगा, मैं यही कहना चाहूँगा कार्यकर्ताओं को। और टिकट एक आदमी को मिलता है लेकिन दूसरे जो दावेदार है उनको भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अवश्य मौका देगी। मेवाड़ की बात की तो मेवाड़ में इस बार एक बड़ा इशू आता है कि मेवाड़ में कोई बड़ा नेता कांग्रेस से कौन है, तो सीपी जोशी का नाम आता है, नाथद्वारा से विधायक हैं। बीजेपी से देखें तो बीजेपी में इस बार सीपी जोशी है, दोनों सीपी जोशी की प्रतिष्ठा है मेवाड़ की जीत को लेकर, आप कैसे देखते हैं कौन सीपी जोशी जीतेगा? देखिए, आज सीपी जोशी जो कहीं भी है ना, आपने देखा होगा एक वोट उस पर एक बैनर लगा था, उसमें भाजपा का जो बैनर था उसमें हमारे सीपी जोशी जो स्पीकर है उनका फोटो लग रहा था, तो पहचान किसकी है वो ये चीज़ आप खुद समझ सकते हैं। मतलब सीपी जोशी को लेकर जनता किसे पहचान रही है? हाँ, तो वो हमारे जो विधानसभा के जो अध्यक्ष है हमारे नेता सीपी जोशी जी है, उनके मुकाबले कोई कुछ भी नहीं है, बहुत बड़े हमारे आदर्श है, वरिष्ठ है और हमारे मेवाड़ के नेता है। इस बार क्या लग रहा है सीपी जोशी, अगले अगर चुनाव में अगर पार्टी को समर्थन मिलता है तो क्या भूमिका हो सकती है उनकी? देखिए, मेवाड़ के नेता ही है और मन तो चाहते हैं कि वो और ज़्यादा उच्च पदों पे जाए और मेवाड़ का नेतृत्व करे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उनके उज्ज्वल भविष्य की हम ये कामना करते हैं, जो जिम्मेदारियाँ दी है उससे भी उनको उच्च पद पे पहुँचे। वो मैं ये नहीं कहता इतना मैं अभी ये नहीं हूँ क्योंकि आला कमान को लेना है ये फैसला। कामना तो भक्त मतलब नहीं कहते हैं, जैसे बड़े नेता की कामना तो कर ही सकता है, मांग कर सकता है, डिमांड कर सकता है या मनोकामना कर सकता है, तो मनोकामना की मन में हाँ ये पद मिले तो ठीक है। आज देखिए मेवाड़ से तो वो पूरा नेतृत्व कर ही रहे, तो मेवाड़ के आगे आगे पूरे राजस्थान का भी करे, वो कोई यह नहीं है। इस बार यूँ नहीं लग रहा है कि सचिन पायलट और गहलोत के बीच में जो लंबे समय से वो चली आ रही थी खींचतान, हालांकि अभी डैमेज कंट्रोल का प्रयास भी किया गया है, लेकिन आपको लगता है पूरी तरह से वो खत्म हो गई? बिल्कुल हो गई है, कांग्रेस एक होकर चुनाव लड़ रही है और कहीं कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, बिल्कुल एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीतेंगे। दो दिन पहले एक मीडिया में आया था
खबरें भी चल रही, वीडियो भी चल रहे हैं काफ़ी, उसमें कहीं ना कहीं ये हालांकि प्रत्यक्ष तौर पर कोई उनका नहीं आया है नाम और वो, लेकिन ये ज़रूर था कि टिकट वितरण को लेकर उन्होंने तवज्जो दी जा रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इन्होंने जो कहा है कि मुख्यमंत्री मेरे को पद नहीं छोड़ रहा है, अशोक गहलोत ने कहा, उसको लेकर आप देखिए, हमारे जन नेता है, राजस्थान के जन नायक है गहलोत साहब, इसमें कोई दोराय की बात नहीं है। रही बात है मुख्यमंत्री पद की, तो ये चीज़ें सब चीज़ें जब कांग्रेस पार्टी में कोई किसी पर चेहरे पर चुनाव नहीं होता है और सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और जो भी आला कमान जो फैसला लेगा उसी हिसाब से राजस्थान का नेतृत्व करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। ये मुख्य रूप से चित्तौड़गढ़ के कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं और आपने मुख्य रूप से बचाव भी किया अपना और कई सारी मनोकामनाएं भी आपके मन में हैं सीपी जोशी को लेकर, और ख़ास तौर से जो सरकार बनाने की आप बात कर रहे हैं कि गहलोत सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के दम पर वापस चुनावी मैदान में उतरे हैं और इस बार दमखम के साथ में चुनाव लड़कर चित्तौड़गढ़ विधानसभा की सभी सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं और साथ ही मेवाड़ भी जीतने का आपने दावा किया है। ये दावा धरातल पर आने वाले वक्त में जनता के वोट से पता चलेगा कि इनका दावा कितना सही साबित होता है। फिलहाल जो वातावरण बन रहा है, जो दावे हो रहे हैं, जो बातें हो रही हैं वो आप तक पहुँचा रहे हैं। आप जुड़े रहे जयवर्धन न्यूज़ के साथ, धन्यवाद। नाथ द्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जूरियस 5-स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथ द्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथ द्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।